लाइंस आर लेड विद गैप टू अलाउ फॉर एक्सपेंशन, और रेल की जो लेंथ है वो 66 मीटर है। ये जो 66 मीटर है ये एल है। अगली लाइन यहाँ पर है, बीच में गैप है, तो अगर ये ओरिजिनल लेंथ है और इंक्रीज होने के ऊपर लेंथ एल डैश है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? एल डैश माइनस एल है, जिसको डेल्टा एल बोलते हैं। और डेल्टा एल आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3.63। ठीक, तो क्या निकालना है? और ये 10 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो कह रहा है बताओ क्या टेम्परेचर करें, 10 डिग्री से ऊपर क्या टेम्परेचर करें कि ये रेल लाइंस जुड़ जाएं। जुड़ने का मतलब डेल्टा एल कितना हो जाए? 3.63 × 10^-2। तो अब एक काम करो, आप इसमें डेल्टा एल का फॉर्मूला लगा लो, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। अभी किया, इसमें डेल्टा टी एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। डेल्टा एल पता है, एल पता है, एल्फा पता है, ये डेल्टा टी आ गया। ये आंसर नहीं है, ये चेंज इन टेम्परेचर है 50। अब देखो ना, आपका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो कितना है? वो 10 है। फाइनल कितना है? वो मान लो टी है, तो चेंज कितना है? 50 है। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? 60। तो टेम्परेचर की वैल्यू 60, तो फाइनल टेम्परेचर 60 होना चाहिए, इनिशियल 10 है, तो चेंज कितना आ गया? 50। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन कैसे काम कर रहा है इसमें। ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील। ये लो, ये रहा आपका व्हील, इस व्हील के ऊपर एक रिंग को चढ़ाना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है कि डायमीटर ऑफ रिम एंड आयरन रिंग आर गिवन। तो ये किसका डायमीटर है? रिम का, व्हील के रिम का, और ये रिंग का। रिंग छोटी है, रिम बड़ा है, और रिंग को रिम पे चढ़ना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा रिंग को। तो रिंग गर्म होगी तो इस पे चढ़ेगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्या है? रिंग का डायमीटर मान लो स्मॉल डी। ये डायमीटर किसका है? रिम का, कैपिटल डी। अब गर्म किसे करना है? रिम को कि रिंग को? रिंग को गर्म करके चढ़ाना है। तो रिंग के लिए ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2 पाई। डायमीटर थोड़ी ना है, 2 पाई आर। रिंग की लेंथ क्या बनेगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर में डायमीटर स्मॉल डी बाई 2 कर देंगे। सही है, ये रिंग का सरकमफ्रेंस है। और मैं ये चाहता हूं कि फाइनल लेंथ क्या बन जाए? जितनी रिम की है, रिम की कितनी है? इतनी है। ये रिंग की है और ये रिम की है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? एक रिंग है और एक रिम है। और इंक्रीज इन लेंथ, ऑब्वियसली ये एल डैश है, ये एल है, तो एल डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएं, तो एल डैश की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई इंटू d/2। और एल का फॉर्मूला 2 पाई इंटू स्मॉल d/2, 1 + अल्फा इंटू डेल्टा t। 2 पाई से 2 पाई, 2 से 2 कैंसल। तो इतना लंबा स्टेप करने की जरूरत क्या है? सीधा फॉर्मूला डायमीटर पे लगा दो। ओरिजिनल लेंथ जो है डायमीटर की, रिंग का डायमीटर जो है वो ओरिजिनल लेंथ एल ले लो, और रिम का डायमीटर क्या ले लो? नई लेंथ ले लो। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्चुअल मेथड तो ये है, लेकिन हम सीधा अपना क्वेश्चन किस पे लगा देंगे? डायमीटर पे लगा देंगे। आएगा, आएगा। होती है इलास्टिसिटी, होती है इसमें इतनी रिंग में कि वो बड़ा हो जाए, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, टूट जाएगा। इतनी इलास्टिक तो लेंगे वो, पर हम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट में ले नहीं रहे वो, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाना जा रहे हैं इसलिए। ठीक, तो इतना तो वो वैसे भी ना भी हो, चलो इलास्टिसिटी ना भी हो, एक्सपेंड तो फिर भी कर रहा है ना। आएगा नहीं ना, व्हील तो बड़ा ही है ना, उससे वही टिक जाएगा। टूट भी सकता है, वो मोटा है, थिकनेस है तो बचा हुआ है, अगर पतला होगा टूट जाएगी रिंग, टूट भी सकती है। ठीक, वो डिपेंड करता है वो कितना मोटा है, कितनी स्ट्रेंथ ले पा रहा है उसकी। दोनों लगाएंगे और दोनों में से कुछ ना कुछ टूट भी सकता है, रिंग तो उसको तोड़ भी सकती है साइड को उसके, पर अब ये अज्यूम्ड है कि वो बिल्कुल प्रॉपर शेप लेके बैठा हुआ है। तो इसलिए आप नोट करें, मैंने टेम्परेचर 27 पे ये क्वेश्चन हो रहा है और आपको ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए।
तो मैंने इसमें ओरिजिनल लेंथ ली और नई लेंथ ली। तो मैंने ओरिजिनल लेंथ जो ली वो आपकी रिंग की लेंथ ली, डायमीटर ले लिया, और नई रिम का ले लिया। इसमें डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन है, यहाँ से सॉल्व करके एल टू माइनस एल वन एल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ एल्फा ये वैल्यू आ गई। इसको यहाँ रख के दोनों लेंथ पता है, ओरिजिनल लेंथ पता है, एल्फा पता है, आपके पास क्या आ गया टी टू माइनस टी वन की वैल्यू आ गई। तो टी टू की वैल्यू क्या होगी, टी वन प्लस 191, तो टी वन की वैल्यू 27 है, आंसर 218। तो आपको इसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं निकालना, आपको इसमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ पे कि क्या इसमें लॉजिक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, नीट में, मेंस में, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी की बुक का बहुत बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे, इसको पक्का करके जाना। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर दें इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक टाइम पीरियड है 2π√L/g एक सिंपल पेंडुलम का, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से बोलो लेंथ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड भी क्या होगा, इंक्रीज। पूरे दिन अगर इंक्रीज टाइम पीरियड आता रहा तो ये लॉस हो रहा है टाइम पीरियड में कि गेन हो रहा है, ये फायदा हो रहा है हमें कि नुकसान हो रहा है इसका, कैसे नुकसान कैसे, अपने को फायदा है, टाइम पीरियड बढ़ गया अपना तो लेटर शुरू होगा, लॉस है ये। ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि फायदा हुआ कि लॉस, ये लॉस हो गया, एक काम एक सेकंड में हो रहा है, टाइम पीरियड बढ़ गया वो डेढ़ सेकंड में हो रहा है, धीरे चल पड़ा और बढ़ गया वो, और ये तो नुकसान हो गया। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी कोई चीज सेम प्रोसेस को बहुत समय में करने वाली है, तो ये नुकसान है। तो आपने लॉस मार्क करना है, टाइम पीरियड का बढ़ना मतलब लॉस होना, टाइम पीरियड जल्दी होना, घटना मतलब गेन होना। तो क्वेश्चन ये है कि आपको मान लो एक क्लॉक है, आयरन पेंडुलम है, और 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम दिखाती है वगैरह, कितना लूज या गेन करेगी एक दिन के अंदर, या पर डे कर लो, इन अ डे अगर टेम्परेचर में 40 कर दूं, ये मेथड नहीं करेंगे फॉलो, मैंने आगे इसको सॉल्व किया हुआ है कुछ इस तरीके से, इसे करेंगे। तो हम टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम पीरियड के अंदर एरर का रूल लगाएंगे, डेल्टा टी बाई टी हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, याद है ना, एरर वो अंडर रूट है तो हाफ डेल्टा एल बाई एल। तो यहाँ से डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा एल का फॉर्मूला मुझे पता है, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, या चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, तो यहाँ पुट कर दें, एल से एल कैंसल। अब प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में आपको गामा गिवन है, जबकि पेंडुलम के क्वेश्चन लेंथ वाइज सॉल्व होते हैं, इसमें एल्फा चाहिए था हमें, कोई बात नहीं, हमें पता है एल्फा क्या होता है, गामा बाई थ्री, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी, 3α। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्फा की जगह गामा बाई थ्री पुट कर देंगे। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले टेम्परेचर 20 था, अब नया टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना हो गया, 40, 40 माइनस 20 कितना हुआ, 20, तो इसकी जगह 20 पुट कर देंगे, और यहाँ से सॉल्व करके आपके पास ये टर्म आएगी, और एक ये कैपिटल टी भी राइट साइड पे, एक दिन का लॉस पूछ रहा है, एक दिन में कितने सेकंड है, 24 × 3600, तो एक सेकंड के हिसाब से ये टाइम पीरियड पुट करके आपने लॉस मार्क करना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि डेल्टा टी कैसे निकलेगा इसमें, तो कुछ नहीं करना, आपने ये स्टेप लेना है, आपको डेल्टा एल का फॉर्मूला पता है, आपको क्वेश्चन में गामा गिवन है, तो आप अल्फा को गामा की फॉर्म में पुट कर लें, और यहाँ से पुट करके डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लें, और टाइम पीरियड 24 आवर्स पुट कर लें। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने लिख भी दिया नीचे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होती है, टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, तो लॉस है, और मैंने ये भी लिख दिया अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेंथ घटती है, तो टाइम पीरियड घटता है, और ये गेन इन टाइम पीरियड है। बहुत बार आया है वो गेन और लॉस ही पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव में, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये प्रूव करना है।